हम जो करना चाहते हैं हम अपने उस एक रोल को प्ले करने लगते हैं, जिससे हम अपनी ओरिजिनलिटी खोनी शुरू कर देते हैं। जैसे मैं बड़ा हूँ बट मेरे अंदर क्या, मेरे अंदर अभी भी बचपन है, मैं घर में होता हूँ, मैं एक बच्चे की तरह रहता हूँ। तो मेरी मम्मी कहती है तू 24 साल का होने वाला है, तू क्या बच्चों की तरह घूमता है। मेरी छोटी बहनें हैं वो कहती हैं, तो मैं कहता हूँ मुझे इसमें अच्छा लगता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि हम जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं हम अपनी ओरिजिनलिटी खोनी शुरू कर देते हैं, हम सोसाइटी के हिसाब से चलना शुरू कर देते हैं कि तुम काम कर रहे हो तो तुम्हें उस रोल को प्ले करना है, तुम अब दोस्तों के साथ हो तुम्हें अपने आपको उस तरह मैच्योर दिखाना है, तुम किसी बड़े के साथ डील कर रहे हो तुम्हें उस तरह मैच्योर दिखाना है। तो सबने अपनी प्रिस्क्रिप्शन बना दी कि तुम जिसके साथ होगे तुम्हें वैसा रोल प्ले करना है। एक तरीके से आपके फ्रेंड्स भी हैं लेकिन आपको वो आपकी ओरिजिनलिटी फिर भी वो भी एक्सेप्ट नहीं करते एक तरीके से। क्या प्रॉब्लम ये है कि वो जो बोल रहे हैं वो प्रॉब्लम है या उसकी वजह से हमें जो प्रॉब्लम हो रही है वो प्रॉब्लम है? आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मैं यहाँ पर एक सेशन कर रहा हूँ, आप मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा सोच रहे हो, वो प्रॉब्लम है? वो सोचते रहो, आपका आपका अपना डिपार्टमेंट है। वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, आप कुछ भी सोच सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। बट अगर उसकी वजह से मेरे को प्रॉब्लम होने लग जाए तो वहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है ना। तो देखना ये है कि कैसे, ये नहीं कि वो बोलना कैसे बंद कर दे या दुनिया बोलना बंद कर दे या दुनिया बदल जाए पूरी की पूरी, लोग बदल जाए। ऐसी बहुत सारे लोग सोचते हैं कि लोग ऐसे क्यों हैं और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो ये सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन क्या है कि कैसे कुछ ऐसा हो जाए कि हमारे ऊपर इन सब चीज़ों का फर्क ही ना पड़े। फर्क पड़े तो बस इतना तक पड़े कि ठीक है एक सोसाइटी में रह रहे हैं तो एक थोड़ा सा ऑर्डर को मेंटेन करना होता है। कि जैसे फॉर एग्जांपल आप इंडिया में हो, ड्राइविंग कर रहे हो, तो आप ये नहीं कह सकते मेरा मन कर रहा है राइट साइड में गाड़ी चलाने का तो मैं चलाऊंगा, तो मर जाओगे। तो एक कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी ना। तो ये सब चीज़ें बुरी नहीं है। ये जो हल्का सा एक डर होता है कि अगर मैं ये करूँगा तो और लोगों को कैसा लगेगा, कैसा लगेगा मतलब कहीं उनको बुरा तो नहीं लगेगा या उनके साथ कुछ बुरा तो नहीं हो रहा है, तो ये डर बुरा नहीं है, अच्छा है ये डर। क्योंकि सोचो अगर सब, आप अपने पॉइंट से मत देखो, सबके पॉइंट से देखो, इतनी बड़ी दुनिया है, सब वो करने लग गए जो उनका मन कर रहा है और उसी टाइम करने लग गए तो कैसी हो जाएगी दुनिया? मेरा मन कर रहा है हगने का, मैं तो यही हगूंगा। हम अपने पॉइंट से तो बोलते हैं कि हाँ मेरा जो मन कर रहा है वो मैं करूँ, मैं पूरी तरह से ये करूँ वो करूँ। कभी बारीकी से बैठ करके समझने की कोशिश करिए हमारे माइंड में क्या क्या आता रहता है। किसी के बारे में कुछ भी आ जाता है। Yes, sir. अपने पेरेंट्स के बारे में कभी उल्टा सोचा है? अच्छा नहीं सोचा है, क्यों झूठ बोल रहे हो? ये मक्कारी किसी ऐसे बंदे से करता है जिसने कभी अपने माइंड को स्टडी ना किया हो। गुस्से में कुछ भी आ जाता है हमारे माइंड में। जो भी आप अपने अंदर सोचते हो सुबह से रात तक, अगर उसको ब्रॉडकास्ट कर दिया जाए किसी टेलीविजन चैनल पे, कोई है जो तैयार है? दिखाओ भाई मैं भी देखूं ऐसा कोई दुनिया में इंसान, एनीबडी? इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। इससे क्या समझ आ रहा है कि हमारे माइंड में कुछ भी आ जाता है। जो भी कुछ आ रहा है अगर वो सब आप बोलने लग जाओ और सब बोलने लग जाए तो क्या होगा? मारकाट मच जाएगी। अच्छा है कि बहुत सारी बातें हम नहीं बोलते इस डर की वजह से। अच्छा है कि बहुत कुछ हम ऐसा नहीं करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा मन कर रहा है बहुत तेज गाड़ी चलाने का, वहां पे दिख रहा है सामने से कुछ बच्चे खेल रहे हैं, एक पतली सी गली है, तो कहीं ना कहीं एक डर होता है कि अगर मैं ये करूंगा तो। और कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर डर नहीं होता है, मेरा मन कर रहा है मैं तो वो करूंगा जो मैं करना चाहता हूं। ऐसे लोग सोसाइटी के लिए भी और खुद के लिए भी बड़े खतरनाक होते हैं। तो ये डर बुरा नहीं है जब तक कि ये डर यहां तक है कि मेरे ये करने से कहीं किसी का कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। जब तक ये डर यहां तक है तो ये डर नहीं कहेंगे, इसको कंपैशन कहेंगे, इसको एक ऐसा दिल कहेंगे जो सेल्फिश नहीं है, जो औरों के बारे में भी सोच करके चलता है। ऐसा होना भी चाहिए कि मेरे ये हरकत करने से, अगर मैं ये यहीं पे थूक देता हूं, ये जो पान की पीक आप देखोगे सब इधर उधर है या नहीं है हमारे दिल्ली में, भरी पड़ी है ना, हाँ यहाँ पे वहां पे, क्यों? क्योंकि मेरा मन करो मैं तो यही करूंगा, वहां डस्टबिन है वहां नहीं करूंगा यही करूंगा मैं तो। स्मोकिंग हो गई कि भाई मेरे को स्मोकिंग करना पसंद है, तेरे को क्या प्रॉब्लम है? भाई मेरे को ये प्रॉब्लम है तू धुआं मेरे मुंह पे फेंक रहा है, है कि नहीं? आज समझ गए? तो जब तक कि ये डर इस लेवल तक है कि आपके अंदर ये है कि यार किसी के साथ कुछ बुरा ना हो जाए, फिजिकली फाइनेंशियली या उसकी लाइफ के एंगल से उसकी लाइफ खराब ना हो जाए मेरी इस हरकत की वजह से, तब तक ये डर बहुत अच्छा है। और डर हमारे अंदर होना भी चाहिए। सोचो अगर आपके अंदर कोई डर ना हो तो अगर आप छत पे जाकर के खड़े हो जाओ किसी 10 फ्लोर की बिल्डिंग पे और आपको नीचे देखने में डर ही ना लगे तो क्या करोगे? कूदोगे? और या नहीं कूदोगे? तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई डर अच्छा है, ये आपकी लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए अच्छा है।